और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का आज उद्घाटन करने वाले हैं और इस संग्रहालय का मकसद भारत में फिल्मों की एक सदी की यात्रा को दर्शाना है। और ये आधिकारिक एक बयान में कहा गया है कि 140 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले इस म्यूज़ियम ये संग्रहालय मुंबई में फिल्म डिवीज़न कैंपस में दो इमारत न्यू म्यूज़ियम बिल्डिंग और 19वीं सदी की ऐतिहासिक इमारत गुलशन महल में विस्तारित है। और ये संग्रहालय भारतीय सिनेमा की एक सदी की संपूर्ण यात्रा को एक सूत्र में पिरोकर एक कहानी की तरह दर्शकों के समक्ष पेश करेगा और इस पूरी गाथा को दिखाने के लिए दृश्य और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि NMIC को अपग्रेड करने के लिए गीतकार प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक नवाचार समिति का गठन किया गया है और आज म्यूज़ियम का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस म्यूज़ियम में भारतीय फिल्मों के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, कैसे भारतीय फिल्मों ने शुरू से लेकर अब तक का सफर तय किया है, किस तरह के तकनीकी बदलाव आए हैं, कौन कौन से उसमें प्रमुख ऐसे मुद्दे रहे जो फिल्मों से जुड़े रहे और कौन से वो अभिनेता और कलाकार हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ी है।